सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस यार, हम लोग आज फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो ये हमारा डे क्या है, 4 है ना शायद से। हाँ तो गाइस, अभी हम यहाँ से थोड़ा अपनी ये जगह बदलने वाले हैं, क्योंकि ये पहाड़ से ना मुझे नीचे ऊपर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है भाई। और इसके लिए हम थोड़ा ये जगह को पहले नोट कर लेते हैं, ताकि हमारा आधा सामान यहीं पर रहने वाला है। क्योंकि भाई, क्योंकि अपन एक साथ तो सारा लेके नहीं जा सकते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है। मैं क्या है, वो स्टोन वगैरह भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मतलब कैसल वगैरह बनाने के काम आएगा। मतलब उससे तो नहीं बना लूँगा, बनाने वाला, बट फिर भी काम आएगा वो थोड़ा। उससे मैं थोड़ा कुछ बनाऊँगा, सही बनाऊँगा, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा कैरेट वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि अपने काम में आ सकता है। क्योंकि अगर दूसरे विलेज में या फिर कहीं अपन ऐसे ही बनाएंगे जगह, तो अपने को वहाँ पर तो ये सब लगाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं ले लेता हूँ सब। और ये अपने पास बहुत सारा भरा हुआ इन्वेंट्री, मैं इसको खाली कर देता हूँ अभी। हाँ ठीक है, खाली करने के बाद हम इधर पे आ जाते हैं। खाली तो नहीं किया, बट हाँ वो जो बेकार की चीज़ें थी उसको फेंक दिया अपन ने। और ये थोड़ा ग्रेनेड भी यहाँ से तोड़ लेता हूँ मैं, अच्छा नहीं दिख रहा। और पता नहीं यहाँ पे मैं क्या ही कर रहा था, ग्रेनेड लेके क्या कर लेता मैं, क्यों ही उठा रहा था मैं, पता नहीं है। आप फिर यहाँ पे अपने विलेजर भाई साहब को बाय बाय बोलते हुए हम यहाँ से सारे लकड़ियाँ तोड़ देते हैं। इसके जो अराउंड लगे थे इसको भी तोड़ देता मैं, बट यहाँ से पानी निकलने लगता है यार। फिर यहाँ पे ये लगा देता अपना डीप स्लेट, और यहाँ से फिर हम फाइनली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस, ये ख़तरनाक सी टिप, अगर आपको कोई गांव ढूंढना हो ना, तो आपको ना किसी भी विलेज का ये जो पाथ होता है ना, जो मिट्टी वाला होता है, इसको इसको फॉलो करने का। और ये जहाँ पे एंड होता है ना, उसके थोड़ा एकदम सीधा जाने का। अगर से उधर नहीं मिला तो थोड़ा हर मतलब विलेज के सारे पाथ आप चेक कर लो, किस तरफ एंड हो रहा है, उस तरफ देख के जाने का। जैसे कि ये इधर एंड हो रहा है, तो अभी हम इधर निकलने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा था, वो कुछ डाउनलोड कर रहा था मैं बैकग्राउंड में, सॉरी उसके लिए। मैं यार अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूँगा, डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं करने के लिए लगाऊंगा, तो उसके लिए सॉरी। हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, थोड़ा अगर ऐसा कुछ करने वाले रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सही से करेंगे। और यहाँ पे हम ये पता नहीं क्यों भेड़ को मार देता हूँ मैं, उठा तो पाऊँगा नहीं कुछ, क्योंकि इन्वेंट्री फुल है भाई, क्योंकि हम सामान इधर उधर कर रहे हैं। जैसे ही अपन ये पाथ को फॉलो करते करते इधर से पहाड़ से इधर से जा ही रहा था मैं, कि अचानक मुझे घर दिख जाते हैं, और जो कि एक नया विलेज है बाय द वे, आपकी जानकारी बता दूँ। और मैं इधर कभी नहीं आया हूँ, सच्ची में नहीं आया भाई, एक भी बार नहीं आया अभी तक इधर। और जैसे ही मैंने कहा था, वो पाथ को फॉलो करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे जाना होता है। कभी कभी बहुत दूर मिल जाता है आपको, बट मिलता जरूर है इधर, इसको फॉलो करने के बाद ना, हर बार मिलता है मुझे वैसे ये फॉलो करने के बाद। इसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया सही। और इसके लिए अभी हम यहाँ पे फुल स्पीड में जा रहे हैं इधर पे। अभी ये पहले एक पेड़ तोड़ लेता हूँ यहाँ का, वो वाला लकड़ियाँ बहुत काम में आने वाली भाई, घर बनाएंगे अपन खतरनाक सा, अभी शानदार सा। अभी नहीं बनाएंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा, बट बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता, ताकि अपने को पता रहे कि अपन किस डायरेक्शन से आए भाई, ना तो भूल जाएंगे पता चल रहा। तो अपने को वहीं से जाना पड़ेगा ऊपर, अगर से अपने को पुराने वाले अपने अड्डे पे जाना है। तो इधर से अभी हम थोड़ा विलेज को डिस्कवर करते हैं, इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या आइटम्स मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी नाइट होने आती है, तो अभी तो फिलहाल सोने का जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को, जहाँ तक लगता है। ये तो अपना पता है क्या है, ये भी दूसरा ब्रिविंग स्टैंड रहता है यहाँ पे। ब्रिविंग स्टैंड यार तोड़ नहीं सकते थे क्या अपन, शायद से तोड़ सकते हैं ना, बट यूज़ क्या करेंगे अपन, अपना ब्लेज रॉड तो है ही नहीं। यहाँ पे भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार, कभी कभी क्या है यहाँ पे भी बक्से रहते हैं शायद से। यहाँ से गिरने में बैंड बच जाने वाली थी, अरे बाप रे, मशाल की वजह से लगानी हुई, नहीं तो लग जाता। यहाँ पे हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर अभी यहाँ से अभी आज रात के लिए रुकने के लिए कोई बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं अपन। मेरे ख्याल से इधर से ही था, हाँ। तो इसको हम उठा के यहाँ पे सो जाते हैं, और यहाँ पे हमारा नया रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाता है इसी के साथ। और ये भाई साहब उठ के, इनकी नींद पूरी नहीं होती, तो बड़े ये चिल्ला रहे होते हैं, और यहाँ पे टेंशन में खड़ा हो रहता है अंदर। वैसे किसान है शायद से, है ना, फार्मर है। ये अपना क्या है, इसको क्या कहते हैं यार, टूल्स में था शायद से बंदा जो घूम रहा है इधर, आर्मर भी वैसे ही पहनता है ना शायद, पता नहीं कैसे पहनता है, मुझे आइडिया नहीं। यहाँ पे टूल्स में का है वैसे एरिया, तो शायद से ही वही होगा, ये तो नेटवेट है क्या कहते हैं उसको, वही है। ओहो, एक एमराल्ड में ये एक क्या सॉरी एक्स दे रहा है, वो भी स्टोन वाली, सही है। अगर आयरन की देने लगे तो और भी मज़ा आ जाए, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा कुछ भी जुगाड़ करके। इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और ये तो फिलहाल नहीं उठा पाएंगे। अपने को कोई घर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके अंदर हम सारे अपना सामान रख सके। और यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक सी है यार, ये मस्त जगह है, देखो कितने सारे पुल है यहाँ पे। यहाँ पे आराम से आके मैं कोई भी डाय बना सकता हूँ इजीली। और भेड़ क्या, इधर पे हम काफ़ी डाय करके भेड़ को इधर पे ही रख सकते हैं मस्त, और फिर जब भी अपने को ज़रूरत पड़ेंगे तो निकाल लेंगे। नहीं, वूल उनका वूल कटर लेके निकालना पड़ेगा, आई मीन बनाना पड़ेगा, क्या कह रहा हूँ मैं,
और ये देखियो गाइस, ख़तरनाक जगह दिखी मुझे, यहाँ पे झरना निकला पहाड़ से, वहाँ पे घर बनना है अपना, तो बाद में बनाएंगे वहाँ। फ़िलहाल अभी तो कुछ नहीं करना है अपने। और फिर इसी के साथ मैं इधर घूम रहा रहता हूँ विलेज में, और फिर ये अलग अभी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी हेबल पड़ी है वैसे, मैं उठाने के लिए बड़ा मरे जा रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल के नहीं उठा पाऊँगा मैं, क्योंकि क्योंकि बाकी अपना सामान रखना पड़ेगा कहीं पर। सही दिख रहा है यहाँ से भी व्यू, भीड़ भी काफ़ी है यार ये विलेज में, पता नहीं जब ज़रूरत पड़ेगी तब तो बिल्कुल ना दिखे थे। अरे बाप रे, वीट है ये तो, नहीं तोड़ना है। ये देखो ये ख़तरनाक सा घर दिख गया अपने को, यहाँ पे कुछ सामान मिल सकता है अपने को। हाँ इसको क्या कहते हैं यार, पता नहीं, ग्रैंड स्टोर ना। यहाँ पे हम डोर ओपन करके यहाँ के चेस्ट को चेक करते हैं, और यहाँ पे मुझे ख़तरनाक भाई डायमंड्स मिल जाते हैं, डायमंड्स। और यहाँ पे हमको पूरे 5 डायमंड्स मिलेगा ये, 5। सोच रहे हो 5 डायमंड्स मिलना कितना रेयर काम है, मतलब अगर माइनिंग करने जाओ तो भी वहाँ पे अपने को 5 डायमंड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और ये दूसरे घर में साला कुछ नहीं था, यहाँ पे खाली ब्रेड्स और ये एप्पल थे पड़े, इसको मैंने छोड़ दिया एप्पल को, अभी तो फिलहाल नहीं रख सकते अपन। फिर लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को अपना बेस बनाया जाए टेम्प्ररी, बाद में हम चेंज कर देंगे अपनी लोकेशन। यहाँ पर अपना मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर देता हूँ इसलिए। अरे भाई क्या कर रहा है हम, शुगर केन को रहने देते हैं, बाकी सारा सामान मैं इधर पे डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अपने को लेगिंग्स बनाने के लिए कितने डायमंड्स वगैरह लगने वाले हैं मेरे को, क्योंकि आइडिया नहीं था, थोड़ा भूल गया मैं। और बूट्स के लिए अपने को 4 ही लगेंगे, बट मैं सोचा कि रहने दो यार, डायमंड वेस्ट नहीं करते फालतू में, अगर मैं किधर मरमूरा गया तो काम में आएंगे, इसके लिए मैं सोचा रहने दो जब तक कि अपने पास वो इंचेंटिंग टेबल सही सा नहीं हो जाता, और अपने को अच्छी इंचेंटमेंट्स नहीं मिल जाती तब तक कि हम कुछ नहीं करने वाले ऐसा डायमंड का दुरुपयोग। ठीक है इसको भी बंद कर देते हैं अभी, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हाँ और एक्सप्लोर करेंगे क्या ऐसे ही। अपने को पहले वाली जगह जाके देखना वो अपने घर बनाने के लिए सही है कि नहीं है, और फिर हम फाइनली अपना नया घर बनाएंगे। और पहले मैं शुगर कैन को इधर पे डाल देता हूँ नदी में, बहुत सही देखेंगे, यहाँ सैंड पर लगाने वाले हैं अपन, क्योंकि सैंड में मैंने सुना है कि ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है ये, पता नहीं, चेक करने की बात है बस, अभी चेक कर लेंगे। अभी अपन इसको तोड़ देते हैं भाई, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए अपने को, उगेगा ही नहीं वैसे उससे, बहुत टाइम लग जाएगा। सारे मैंने सैंड में लगा दिए बढ़िया से, अभी एक बचा है लास्ट, इसको हम लगाएंगे इधर। तो सारे शुगर के उधर प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रिज बनाता हूँ अब मैं, छोटा सा एक ख़तरनाक ब्रिज है मेरी, बहुत पुरानी तकनीक से बनाता हूँ मैं इसको, एक इधर पे लगाना पड़ता है और एक ऐसा, और फिर आपका ब्रिज रेडी हो जाता है। आपको ऐसा जिगजैग लगाना पड़ता है, और इसे कागज़ स्टोन में या फिर किसका भी ब्रिज बना रहे हो, आपको थोड़ा कम पत्थर या फिर कुछ भी यूज़ होगा, तो ऐसे ही है ब्रिज, बीच में से निकलना आपको बस, इसमें सही जाता है बंदा, मतलब आप चाहे तो फिर इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, मैं अभी करके दिखा दूँगा। यार ये कैसे टूट गया भाई, यहाँ पे फिर ऐसा एंड में प्लेटफॉर्म बना लो, फिर इसको फिल कर दो अगर आपको बड़ा बनाना है थोड़ा तो, अगर घोड़ा वगैरह नहीं जा रहा है तो, या फिर विलेज है तो। यहाँ पे बढ़िया सही से अपना ब्रिज बन चुका है, आई मीन इस तरफ आने का रास्ता देखो बढ़िया सा दिख रहा है वैसे, अपन ऐसे ही रोड बनाने वाले ऊपर तक, तो टेंशन नॉट। यहाँ पे अपने को और एक गाय दिख गई है, और शायद से ये थोड़ा काफ़ी ऊपर है यार ये, तो इसको जाना पड़ेगा थोड़ा सही से। यहाँ पे कुछ दिख रहा था मुझे, मुझे लगा अरे भाई बहुत ख़तरनाक खाई थी यहाँ पे, बट ये झरना सही है यार, यहाँ से कभी उतर सकता बंदा मतलब झरने पे कूद के, इसलिए मैं यहाँ पे अभी फटाफट से चढ़ जाता हूँ ये पहाड़ के ऊपर, ताकि हम थोड़ा देख सकें कि क्या सही जगह है कि नहीं अपने घर बनाने के लिए। एक काम करेंगे इस पूरे माउंटेन को अपना घर बना लेंगे ना, बढ़िया ग्लास से एक तरफ से लगा देंगे, सही सा दिखेगा एकदम, अंदर का पूरा नज़ारा दिखेगा। बहुत ख़तरनाक आइडिया है मेरे दिमाग में वैसे, आया पहाड़ी घर बनाएंगे अपन, पहाड़ी घर। अरे यार यहाँ पे मधुमक्खी क्यों दे दिया इन लोगों ने छत्ता वगैरह, ये तो डेंजरस काम है, पेड़ अभी यहाँ से तोड़ नहीं पाऊंगा वाले में, काम शायद हवा में रह जाता ना अगर से अपन उसके ट्री वगैरह को तोड़ दे तो। आइडिया नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पता नहीं क्या होता है। यहाँ पे काफ़ी सारा चेरी ब्लॉसम दिख रहा है, इसको ये कहते हैं ना शायद से, साकुरा फ्लावर। यहाँ पे मैं थोड़ा खोदकम खाद करता हूँ, और इसी के साथ हमें कुछ मिल गया नया, पिंक डाय, वाह इससे बना पाएंगे अपन इजीली। यहाँ पे अपन थोड़ा सही सा बनाएंगे घर, टेंशन मत लो। तो अभी के लिए तो आज तो नहीं बनाएंगे हम, ये कल बनाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और यहाँ पे अभी नाइट हो रहा है इसके लिए मैं बंद कर रहा हूँ ये अपना आज का खेल, क्योंकि हम ये डे में करेंगे, और कल
कल वीडियो पक्का आएंगी, मतलब बनाऊंगा मैं तो कल करते हैं एक बिल्डिंग वगैरह का काम। मैं थोड़ा आइडिया भी लगा लूँगा कैसा बनाना है घर वगैरह, और मैं बना भी लूँगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो यहाँ पे थोड़ा कूल दिख गया तो ये भी ले ही लेते हैं। अब डायमंड की पिकैक्स यार सही है, बट फास्ट चलती है मस्त, बट इस थोड़ा कॉस्टली है ये। तो इसी के साथ ये सनसेट के साथ हम खूबसूरत सनसेट के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।